मेरी इच्छा नहीं थी यहाँ पर आने की, क्योंकि मुझे यहाँ पर भरोसा नहीं था। मतलब गुरुजी पे भरोसा बिल्कुल नहीं था, एक मुझे 1% भी भरोसा नहीं था उन पर, क्योंकि मैंने बहुत जगह हम दौड़ चुके थे और इस वजह से मेरा भरोसा बिल्कुल टूट चुका था। और काफी समय मेरा पर्चा बन रहा था, मुझे उस समय भी भरोसा नहीं था। अगर आप सोते हैं मेरे रूम में तो बेड हिलने लगता था और कान में आवाज आती थी कि उठो वरना भिड़ा देंगे। आपका नाम? दिव्यांशी दुबे। कब आए थे बागेश्वर धाम? हम 2 साल होने को आ रहा है, 2 साल पहले आए थे हम रक्षाबंधन के दूसरे दिन। और माता जी को बहुत गंभीर समस्या थी, बीमार थी वो बहुत ज़्यादा, उस समस्या को लेकर हम यहाँ आए थे। और मेरी इच्छा नहीं थी यहाँ पर आने की, क्योंकि मुझे यहाँ पर भरोसा नहीं था। मतलब गुरुजी पे भरोसा बिल्कुल नहीं था, एक मुझे 1% भी भरोसा नहीं था उन पर, क्योंकि मैंने बहुत जगह हम दौड़ चुके थे और इस वजह से मेरा भरोसा बिल्कुल टूट चुका था। और काफी समय मेरा पर्चा बन रहा था, मुझे उस समय भी भरोसा नहीं था, जो कि मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर पर्चा बनता है, टोकन है, ये सब मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि कोई एक ओझा होते जैसे वो देख के बताते वैसे ये बताते हैं। तो लेकिन जब मेरा पर्चा बना, जब महाराज जी ने कुछ ऐसी बातें बताई, तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, महाराज जी सच बोल रहे हैं। और उसके बाद माता जी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगे, वो ठीक होने लगी। तो क्या था मम्मा को, क्या था आपके? मम्मी को मेरे एक तरीके से मानसिक बीमारी थी। अच्छा। उसको भूत प्रेत टाइप, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं। वो काफी गंभीर समस्या थी और उस बात को हम ओपन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा वो बीमार रहती थी, यहाँ तक कि उनको हर चीज में शक होता था कि इसमें कुछ है, यहाँ पे प्रेत है, यहाँ पर कुछ है, ऐसा उनको लगता था। और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होने, हाँ मेरे घर में दिक्कत थे, तो महाराज जी ने मना कर दिया वहाँ पर आने जाने के लिए, उसमें प्रेत बाधा की दिक्कत थे। तो मतलब आप बोल रहे थे कि ऑफ कैमरा कि आपका मतलब बेड वगैरह भी हिलता? हाँ वहाँ पर ऐसा था, ये दिक्कत था उसमें, अगर आप सोते हैं मेरे रूम में तो बेड हिलने लगता था और कान में आवाज आती थी कि उठो वरना भिड़ा देंगे। अच्छा। ऐसा था, और स्टैंड में बर्तन रखो तो वो फेंकने लगते थे, लाइट ऑन करो तो लाइट बल्ब गिरा देता था अपने आप। फोन भी आता था, फोन आते थे, ये बात रियल है, क्योंकि मेरे से कई लोग जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात के प्रूफ हैं कि हम जब फोन लगाते थे तो उनको मेरी आवाज़ नहीं, किसी और की आवाज़ जाती थी। तो उन सब बातों से जब हम यहाँ पर आए, महाराज जी के सामने सारी चीज़ें खुली, तो महाराज जी ने कहा कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी आज से ही, और उसी दिन से बंद हो गया। और माता जी में धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे बहुत टाइम लगा है, अब जाके वो नॉर्मल हो चुकी हैं। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ अब वो बिल्कुल ठीक, दिन में ठीक हो पाई। मुझे कितने दिन में अर्जी लगी आपको? मेरी अर्जी मैंने घर पे ऐसे बिना मन के, माता जी की जिद की वजह से मैंने रात, आपका मन नहीं, नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं था, हम विश्वास, मुझे हाँ मुझे विश्वास ही नहीं था महाराज जी के ऊपर, जरा भी नहीं था, जो सच है वो है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था उनके ऊपर। लेकिन ये था कि माता जी को हम बहुत मानते हैं, इसलिए मम्मी के कहने पे मैं रात को 10 बजे वो नारियल और कपड़े उपड़े ला के मैंने बिना मन की अर्जी लगाई घर में ही ऐसे, और मेरी अर्जी स्वीकार भी हो गई। जैसे जैसे महाराज जी ने कहा था कि रात को बंदर का सपना आता है, बालाजी आते हैं, मुझे बालाजी की सेना, बालाजी स्वयं, महाराज जी भी स्वयं स्वप्न में आए 3 दिन लगातार, और 4 या 5 दिन के अंदर हम बागेश्वर धाम आ चुके थे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैंने टिकट कैसे बुक करवाया, मेरा टिकट, जबकि टिकट मैंने बुक करवाते करवाते वो सारी टिकट गायब हो चुके थे, लेकिन फिर भी मुझे टिकट मिल गया और हम यहाँ पर आए। मुझे एक संत महाराज जी लेकर आए थे साथ में, वो रामभद्राचार्य जी द्वारा उनको उपाधि दी गई है, पीठाधीश्वर वो भी हैं, मानती करवाई गई है उनकी, उन लोगों के साथ हम यहाँ पर आए। तो मेरा पर्चा बना तुरंत, रात को 2 बजे के लगभग मेरा पर्चा बना, और महाराज जी ने मुझसे कहा भी कि तुम्हें विश्वास नहीं है, ये जानते हैं हम, लेकिन हाँ ये उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें विश्वास नहीं है, ये मुझे याद है। और फिर उसके बाद महाराज जी ने कहा कि जहाँ पर शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर भरोसा धीरे धीरे हो जाता है। तो ये बात मुझे 3 महीने के बाद मुझे ये दिखने लगा, क्योंकि माता जी की ऐसी स्थिति होने लगी कि हमें ऐसा लगा कि अब धाम को छोड़कर भाग जाना चाहिए। माता जी यहाँ पर आने के बाद बहुत बीमार होने लगी, हद से ज़्यादा बीमार होने लगी, उन पहाड़ियों के पीछे भाग जाया करती थी वो,
कहीं भी मिट्टी कोड़ने लगती थी कि मुझे अब इसमें दब के मर जाना है, तो ऐसा होता था। लेकिन फिर मैंने महाराज जी से ये सारी बातें कही, महाराज जी ने कुछ जो भी वो करते हैं अपने पूजा पाठ उसके हिसाब से उन्होंने उतारा किया नारियल का, उसके बाद बंधन लगाया बहुत सारा, तो उसके बाद से आराम होना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए। हाँ, मैंने एक दिन ऐसे ही गीला कपड़ा सब नहाया और बैग में भर के हम जाने लगे, पैक करके भागने लगे। मुझे एक ऑटो नहीं मिला, जिस बस वाले का नंबर था कि हम चित्रकूट चले जाएंगे, उस बस वाले ने भी कह दिया कि आज के दिन हम नहीं आ रहे, हम 3 दिन बाद आएंगे। मैंने ट्रेन के लिए ट्राई किया, कोई लोकल ट्रेन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि महाराज जी को ये बात पता चला। और महाराज माता जी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। फिर महाराज जी ने समझाया कि इन सब चीज़ों में ऐसा होता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर है तो वो निकलना नहीं चाहता है, और अगर वो निकलने का प्रयास भी करे तो उसके लिए उसको थोड़ा दिक्कत होता है, शरीर पर ही दिक्कत आएगा। तो बहुत ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर रोका गया, रहे हमने, अच्छा भी लगने लगा कि माता जी मेरी ठीक होने लगी, खाना खाने लगी, क्योंकि उन्होंने खाना करीब 23-24 दिन छोड़ दिया था, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था 23-24 दिन धाम पर। फिर उसके बाद महाराज जी की वजह से, बालाजी की वजह से उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए, कुछ उपाय हम अपने मन से भी किया करते थे, हवन देना, तो उस सब की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसमें कि लोगों का एक पर्चा बनता है, जिसमें कि मेरे पास 3 पर्चे हैं, मेरा 3 पर्चा बना हुआ, उससे भी ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन मेरे पास 3 पर्चा भी है। तो महाराज जी की ये सारी वजह से भी बहुत सही हो गई माता जी, आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और हम घर नहीं जाया करते थे, 2 साल से यहीं थे, अब घर जाने आने लगे, वो घर बंद हो गया है, भैया लोग के घर आते जाते हैं, लेकिन अब महाराज जी ने कहा है कि दूसरा घर बनवाइए और वहाँ पर आप अपना जीवन यापन करिए, वो घर भूल जाइए। अच्छा, वो वाला घर, वो पूरा पूरा घर भूल जाइए, उसका एक सामान भी हम नहीं निकालें। आपने जो आप यूथ हैं, आपने बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं, तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो अनपढ़ आते हैं और यहाँ पे जिनके पास माइंडलेस लोग आते हैं और लोगों को मतलब समझ नहीं है, ये सब ये प्री प्लांट चीज़ें हैं, प्री प्लांट एक्टर बैठ जाते हैं प्रेत दरबार वगैरह में, प्री प्लांट लोग हैं, तो उनको नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर प्री प्लांट लोग नहीं बैठते हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है यहाँ पर 2 साल रह के, हम क्योंकि महाराज जी के साथ हम राम दरबार में हम जब से रह रहे 24 घंटे महाराज जी को देखे हैं अपने सामने, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया आई, News24 भी आया था, आधी हकीकत आधा फसाना, तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, यहाँ पर शक्तियाँ हैं। और रही बात कि पहले से प्लान कर लिया जाता है, ऐसा नहीं है, आप किसी को भी कभी भी उठा के भेज सकते हैं, महाराज जी उसकी हिस्ट्री बता देंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए हम जानते हैं। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन महाराज जी ने ऐसा भरोसा दिलाया, महाराज जी ने नहीं दिलाया, बालाजी ने दिलाया, मुझे खुद से यकीन हो गया कि यहाँ पर कुछ तो है, मुझे अच्छा लगा है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ क्या? यहाँ पर मुझे बहुत सारी एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर जितने बीमार लोग भी आते हैं वो लोग भी बहुत कम समय में वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनकी बच्चे नहीं थे, जिनको अंदर गर्भाशय नहीं था, उनको 2-2 बच्चे हुए मेरे सामने, हमने उनको गोद में लेके खिलाए भी हैं। मुझे अच्छा लगा उन लोगों को देखकर कि महाराज जी पर विश्वास करते हैं, और बालाजी मेन है, सारी चीज़ बालाजी और सन्यासी बाबा हैं जिनकी प्रेरणा से महाराज जी को प्रेरणा लगती है और वो लोगों का कष्ट मिटा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की।